मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोला था कि आप करेंगे, करा आप लोगों ने? यस सर। इसमें कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो आपको कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है, यही आपसे पूछा गया था कि भाई यस आपको सर। क्वेश्चन में बताना था कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनडल में जाएगा और किस साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो मेरे हिसाब से सबसे हो गया होगा ये वाला। आइएगा एग्जाम्पल नंबर 3, क्या इसको किसी ने ट्राई किया था क्या? एग्जाम्पल नंबर 3 किसी ने ट्राई किया या नहीं किया? चलिएगा तो फटाफट से आइए, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पीएनडल अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रेजेंटेड बाय फॉर द पर्सन 31 मार्च 15 का पीएनडल अकाउंट बनाना है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, रेंट, सैलरी, कमीशन, क्रेडिट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, क्रेडिट, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू, डिस्काउंट रिसीव और प्लांट एंड मशीनरी 80,000। फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, रेंट आपने 11 महीने का पे किया है, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है बट नॉट येट रिसीव्ड है, इंश्योरेंस का प्रीपेड अमाउंट है, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, फर्दर बैड डेट्स 2,000 हैं और डेटर्स पर 5% का आपको प्रोविजन बनाना है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दे रखा है 2,000। चलिएगा ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है, फॉर्मेट बनाते हैं। एक बार मैं मॉड्यूल निकाल लूं ताकि मेरे पास सब, आपने मॉड्यूल निकाल ही लिए होंगे, मैं भी मॉड्यूल खोल लेता हूं ताकि पेज नंबर कौन सा है ये, 196 आ जाइए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 196। फॉर्मेट बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखिएगा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो लिख दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए बताइएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,00,000। अब एक एक खर्चे पे आते जाइए, सबसे पहले दे रखा है रेंट 22,000 का, टू
टू रेंट 22,000। रेंट सर, रेंट एक एडजस्टमेंट आपको दे रखा है कि आपने ये जो रेंट पे किया है ये 11 महीने का पे किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर महीने का रेंट बना 2,000 रुपए, तो एक महीने का रेंट अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है। 2,000 और एड, तो लीजिए आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूंगा 2,000, ये मेरा पहला खर्चा आ गया। सैलरीज बताइए, आपको सैलरी दे रखी है 10,000, सैलरी के रेस्पेक्ट में भी दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी 4,000, तो हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगी 4,000, तो ये लीजिए हमारे पास आ गया 14,000। कमीशन की इनकम है, क्रेडिट दे रखा है, क्या कमीशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है? बिल्कुल है, उसने बोला है लास्ट एच पॉइंट में कि कमीशन हमें एडवांस में मिल गया है, यानी अनअर्ड इनकम हो गई। बताइए टोटल कमीशन कितना हो गया आपका? 12,000, इसमें से माइनस कर दीजिए रिसीव्ड इन एडवांस, ये लीजिए आपके पास 10,000 का कमीशन आ गया। अगला पॉइंट, आपको इंश्योरेंस दे रखा है कितना? 8,000, क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? डी पॉइंट में उसने बोला है इंश्योरेंस प्रीपेड है 2,000, तो लीजिए हम लिखते हैं टू इंश्योरेंस। टू इंश्योरेंस कितना है? 8,000। इसमें से 2,000 प्रीपेड माइनस कर दीजिए तो आ गया 6,000। बताइए अब इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट खर्चा क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की इनकम दे रखी है, क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड भी कोई पॉइंट है? बिल्कुल है, बाय इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट की इनकम दे रखी है 6,000, क्या बोला है सुनना, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है 2,000, ड्यू हो गया तो मैंने इनकम कमा ली है, इसका मतलब तो यहां पर प्लस कर दो accrued इंटरेस्ट, accrued या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर एक बार ये पॉइंट वापस से बोलो, क्या चीज बताऊं? बोलो सर, जी इसका पॉइंट दे रखा है ना, उसने बोला है इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव्ड, तो ड्यू हो गया तो इसका मतलब मैंने इनकम कमा ली है, इनकम कमा ली तो मेरे पीएनएल में एक्रूअल बेसिस पर आ जाएगी और अभी तक रिसीव नहीं हुई है आपकी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट के बाद आपको बैड डेट्स का पॉइंट दे रखा है, उसको भी हम लेटर ऑन करते हैं। फिर आपको डिस्काउंट दे रखा है, तो डिस्काउंट की इनकम है तो लिख दीजिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बताइए कितना है? 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया 2,000। एक आपको डेप्रिसिएशन की रेट दी हुई है, तो वो आपका खर्चा बनेगा, प्लांट, मुझे बताइए प्लांट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 80,000, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो यानी आपका डेप्रिसिएशन कितना बन गया?
80,000 पर 10% 8,000 आपका डेप्रिसिएशन बन गया। चलिएगा अब हमें बात करनी है केवल बैड डेट्स के बारे में। तो देखिएगा तो आइए मैं प्रोविजन अकाउंट बनाता हूं। मैंने आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना सिखाया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बताइए क्या मुझे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताइए प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 4,000। तो 4,000 यहां आ गया। टू बेड डेट्स, बेड डेट्स कितने हुए हैं? 2,000 को ऊपर दे रखे हैं और नीचे भी दे रखा है फर्दर बेड डेट्स, एक और हुआ है 2,000 का। तो इसका मतलब टोटल बेड डेट्स हो गए 2, तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2, एडिशनल गिवन है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा हुए हैं, ये 4,000 आ गया। टू बैलेंस सीडी प्रोविजन बनाना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रोविजन कैसे बनाते हो। सबसे पहले मैंने लिए जो मुझे डेटर्स दिए हुए हैं 40,000 के, इसमें से मैंने माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट्स। कोई गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल है नहीं, कोई डेटर का एडजस्टमेंट है नहीं, तो यानी मेरे पास डेटर बचे 38,000। इस 38,000 पर 5% का प्रोविजन बना दीजिए। सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो बैलेंस कैरेट डाउन वाला। बैलेंस कैरेट डाउन में ये 40,000 जो है ये तो अपन ने लिया सन्ड्री डेटर्स है बैलेंस। यस सर, उसके बाद में क्या किया वो बता दो। आप नोट्स पे जाओ जल्दी से। मैंने जब प्रोविजन का वर्किंग बनाया था तो वहां पर एक नोटिंग करवाई थी ना कि प्रोविजन कैसे निकालते हैं। यस सर, आओ वहां पर मैंने देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है डेटर्स गिवन एज पर ट्रायल बैलेंस। यस सर। फिर उसमें से माइनस करवाया है मैंने गुड्स फर्दर बैड डेट्स भी तो माइनस करवाया ना। फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में 2,000 दे रखे हैं आपको। यस सर। मैंने वो माइनस कर दिए। यस। फिर क्या लेस करवाया है मैंने? गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल। क्या इस क्वेश्चन में उसकी कोई इंफॉर्मेशन है क्या गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल की? नो सर। तो उसको हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? ओके सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? 2,000 जो है वो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फर्दर बेड्स फर्दर बेड डेट्स है। ओके सर। तो 38,000 के बचे इस पर 5% आप प्रोविजन बना लोगे। 1900। तो 1900 आपका बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। तब पीएनएल में 1900 जाएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके 1900 रुपए जो हैं वो पीएनएल में चार्ज हो जाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। अब अगर आप चाहो तो इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी पीएनएल में दे सकते हो। मैंने जो अकाउंट बनाया वही उसका बेसिक प्रेजेंटेशन बनता है। कैसे देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन से पीएनएल में लाएं तो पीएनएल का प्रेजेंटेशन समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं टू बेड डेट्स।
जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2000, इसमें ऐड करोगे फर्दर बैड डेट्स, ये है 2000, फिर इसमें ऐड करोगे जितना आपने इस बार न्यू प्रोविजन बनाया है 1900, ये आ गया 5900, और इसमें से माइनस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन, तो रिमेनिंग अमाउंट वही आ गया जो अकाउंट में आया था। और आपको ध्यान है, अगर देखो ना आप, तो मैंने अकाउंट को ही लिखा है यहां, इधर देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने डेबिट के सारे आइटम जोड़ दिए, सबसे पहले टू बेड डेट्स और टू फर्दर बेड डेट्स दोनों को जोड़ के लिख दिया, प्लस कर दिया न्यू प्रोविजन, माइनस कर दिया ओल्ड प्रोविजन, तो बचा हुआ बैलेंस क्या था, पी एंड एल का अमाउंट आ गया। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, अकाउंट बनाओ, नेट अमाउंट लाओ और उसको ऊपर ले जाओ, या फिर आप पी एंड एल में यही तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, दोनों ही ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। नहीं रिद्धि, आप लोग समझो, अब आपका पेपर ऑनलाइन है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो मैं आपको करवा रहा हूं पूरे क्वेश्चन, हम अननेसेसरी इस डाउट में जाएं प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कुछ नहीं, ऑनलाइन में एमसीक्यू आएंगे आपके, एमसीक्यू में क्या प्रेजेंटेशन दोगे ये बताओ मुझे आप, एमसीक्यू में तो लास्ट आंसर आप रफ में निकालना, रफ में निकाल कर टिक करना है बस। सर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना ऐसे फॉर्मेट बनाए हुए जो आपने अलग से अकाउंट बना के किया है? कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आंसर सही आना चाहिए, इस अकाउंट को ऐसे बनाओ, ऐसे लिखो, कैसे ही कैलकुलेट करो आप, क्योंकि डिपेंड करेगा उसने एग्जाम में क्वेश्चन क्या मांगा है, समझना। मान लो वो क्वेश्चन मांगता है कि पी एंड एल से कितना अमाउंट चार्ज होगा, तो बिना अकाउंट बनाए आप बैलेंसिंग फिगर निकालना भी तो पड़ेगा ना आपको, ये यहां तो क्या सेम आ गया, क्योंकि इधर चार था और इधर बेड डेट्स भी चार का हो गया, तो यहां 1900 आया तो ये भी 1900 आ गया, अदरवाइज ये चेंज भी तो आ सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि ऑनलाइन तो पेपर है वो तो मैं, मेरे को पता है, बट सर आगे आगे भी तो जैसे कभी अगर अकाउंट बनाने के लिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मतलब मेरे को बनाना भी अगर सीखना है तो मैं वही पूछ, अगर जैसे नीचे मैंने ये बना दिया अकाउंट तो ऊपर ये दिखाने की जरूरत तो ठीक है वर्किंग? ये तो मैंने पहले ही मना कर दिया रिद्धि, मैंने कहा ना या तो यहाँ से नेट बैलेंस ऊपर ले जाओ या इस तरह से दिखाओ। अच्छा दोनों में से कुछ भी एक, एक ही दिखाओगे ना? मुझे एक बात बताओ, खाना यूं खाओगे या खाना यूं खाओगे? खाना तो एक ही बार खाओगे ना? Yes, sir. ये तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया कि अकाउंट ऐसे आएगा, और अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे शो कर दो। हाँ ईशा, अब बोलो आप क्या पूछ रहे थे? नो सर, आ गया मुझे, आ गया पॉइंट समझ में, और बोलो, और भी किसी ने कुछ पूछा था शायद? सर हाँ बोलो हार्दिक, ये जो ओल्ड प्रोविजन का जो अमाउंट है, इसमें गिवन था या फिर ये बैड डेट्स है? नहीं नहीं, गिवन है, ये देखो आप ऊपर जाओगे ना, सॉरी क्वेश्चन में देखो अपने मॉड्यूल में। अच्छा। आपको ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन गिवन है 4000, दिखाऊंगा एक मिनट रुको, ये देखो ये यहाँ पर गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1 अप्रैल 12 4000, दिख गया? ओके, ओपनिंग बैलेंस तो गिवन होगा, वरना हम तो लाई नहीं सकते ना ओपनिंग बैलेंस तो। चलिए ओल्ड प्रोविजन अपना ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल ओल्ड प्रोविजन वही होता है जो हमने पहले से बना रखा है। चलिए नेट प्रॉफिट निकालिए कितना आया, हो गए ना सारे एडजस्टमेंट, यही बचा था बस 66,100। लीजिए तो लिख दीजिए 2 ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। टोटल लगा दो, क्या टोटल रहा आपका? तो ये आपका क्या बन गया, एक पी एंड एल अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट हो गया, विद एडजस्टमेंट्स हमने इसको ले लिया।
बताइए क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़ूं? मैं देखता हूं इस तरह के और क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं तो हम पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालेंगे। अब आप सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन कर दो बस। निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए देखो क्या बोल रहा है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वापस से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपसे ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर आपने कुछ डायरेक्ट खर्चे किए हैं, फ्रेट का, कैरिजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस। कुछ गुड्स आपने फ्री सैंपल के रूप में बांटा है, कुछ गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है और कुछ गुड्स आपका डैमेज हो गया है ड्यूरिंग द ईयर। अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट 120 है और उसकी मार्केट वैल्यू 150 है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बना सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? यस सर। भाई कोई पॉइंट पर पूछना हो तो बताइए, हो जाएगा क्योंकि सिंपल बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट ही है। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे ही रखे हैं, वो सारे डेबिट में आ जाएंगे। जो भी गुड्स आपका फ्री सैंपल है, ड्रॉइंग्स हैं और डिस्ट्रॉयड है, वो तीनों आपके परचेजेस में से क्या हो जाएंगे? क्लियरिंग चार्जेस भी इसी में आएंगे। हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लियरिंग चार्जेस बिल्कुल दे ही दिया ना उसने, हेडिंग में ही दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग का ही पार्ट बनेंगे आपके। सर क्रेडिट परचेज भी इसी में आएगी ना डेबिट में? हाँ भाई जब अपन परचेज निकालेंगे ना टोटल ले लेंगे, जैसे देखो कैश और क्रेडिट दोनों का टोटल ले लिया, फिर परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, सैंपल माइनस कर दिया, विड्रॉल माइनस कर दिया, और यहीं से माइनस कर दोगे जो गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है। बोलो क्लियर है? यस सर। मेरे हिसाब से हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। आइएगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब इसमें हमें ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों बनाने हैं। ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों बनाने हैं। चलिए देखिए आप मुझे ट्रेडिंग बनाकर बताएं, इसको हम अभी करेंगे। आप मुझे सारा डेटा आपको दिया हुआ है, एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। सबसे पहला काम आप करें ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर बताएंगे और मुझे बताइए जीपी कितना आ रहा है। कभी सुना है आपने ये दो शब्द सुने हैं क्या अकाउंटिंग में? यस सर। एक तो होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये क्या होते हैं क्या कोई बता सकता है मुझे? यस सर। कैन आई? हाँ यस सर। चार्जेस जो होते हैं वो कंपलसरी पेमेंट होते हैं और एप्रोप्रिएशन कंपलसरी पेमेंट नहीं होते हैं। वेरी गुड, बहुत सही बताया रिद्धि ने।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो आपको ये पैसा तो देना ही देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, हम उन पर बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन लोन, मुझे एक बात बताइए, आपने लोन लिया, अब लोन लेकर आप बिजनेस कर रहे हो, क्या सामने वाले को इससे मतलब है कि भैया उस लोन की वजह से आप कमाओगे या नहीं कमाओगे, या वो आपसे इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा जैसे ही आप उससे लोन लोगे? यानी आप कमाओ चाहे मत कमाओ, इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। और सुनना, हमारे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में जितने भी ऑल जो हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, सैलरी, आपने अपने यहां एक एम्प्लॉई को अपॉइंट किया, उसको सैलरी बनती है, अब आप प्रॉफिट कमाओगे या नहीं कमाओगे, क्या उसकी सैलरी रोक दोगे क्या? बताइए, क्या आप एम्प्लॉई को ये बोलोगे? नहीं। लेकिन अब जरा सुनना, अगर मैं यहीं पर कुछ दूसरी टर्म्स में बात करूं कि जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्टनरशिप फर्म है मेरी, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को, अब अगर पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मुझे कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट का रूल क्या होता है? आपके पास जब प्रॉफिट होंगे तो ही तो इंटरेस्ट दे पाओगे आप लोगों को, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, लोन के इंटरेस्ट नहीं, ओनर का जो इंटरेस्ट होता है, तो वो आप कब दे पाओगे? जब आपको क्या हो रहे होंगे, मुनाफा, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप नहीं दोगे। किसी भी प्रकार के रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना, जानते हो रिजर्व्स क्या होते हैं? यस सर। देखिए क्या होता है, हम फ्यूचर के किसी भी कंटिंजेंसीज के लिए, जो हमें आज पता नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ जाए कहीं अगर, तो मुझे उस कंटिंजेंसीज के लिए क्या करना पड़ता है, पहले से एक रिजर्व बनाना पड़ता है। तो वो रिजर्व बनाता कहां से हूं मैं? प्रॉफिट वाला वापस रिपीट करो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि वो आइटम्स जो प्रॉफिट होने पर ही दिए जाएंगे। जैसे मुझे कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कब दूंगा? लोन नहीं है ये है ओनर की कैपिटल। तो आप समझ रहे हैं, आप कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी देंगे जब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनेगा आपका। मान लो मैंने फ्यूचर की किसी कंटिंजेंसी के लिए कोई रिजर्व बनाया है, उस रिजर्व में पैसा डालना है, तो पैसा कहां से डालूंगा? जो प्रॉफिट मैं कमाऊंगा उसमें से ही रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होता है। तो अगर मैंने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, सुनना, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है तो क्या मैं रिजर्व में पैसा डाल सकता हूं क्या? नो सर, नहीं डाल सर। तो ये पैसा तभी जाएगा जब मैंने प्रॉफिट कमाए होंगे। तो मेरी बात समझना, हाँ, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ऐसे पेमेंट्स जो कि प्रॉफिट के होने पर निर्भर हैं। इफ देयर आर प्रॉफिट्स वी कैन पे सम अमाउंट एज एप्रोप्रिएशन, लेकिन कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो प्रॉफिट पर निर्भर नहीं होते, वेदर यू अर्न प्रॉफिट और नॉट, ये चार्जेस
ये खर्चे तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। क्लियर? बिल्कुल। जैसे कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट है, अब मान लो आपका जो कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट है तो कमीशन तभी तो दोगे जब प्रॉफिट पर बेस्ड होगा, वो प्रॉफिट होगा। कमीशन दो तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड कमीशन और एक बेस्ड ऑन प्रॉफिट। फिक्स्ड कमीशन तो आपको देना ही देना पड़ेगा, आप प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ। मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर कमीशन किस पर बेस्ड है? प्रॉफिट पर बेस्ड है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट पर बेस्ड कमीशन कब पे करोगे आप? हमेशा या जब प्रॉफिट होगा? जब प्रॉफिट होगा। क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमसे एक नया अकाउंट बनवाया जाता है विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। देखिए आज क्या है, मेरी कुछ क्लासेस गड़बड़ हो गई, इसीलिए बार बार आपका रीशेड्यूल्ड हुआ है। तो आज